गाइस आप लोगों ने भूल भुलैया मूवी के बारे में तो बहुत सुना होगा, बट आज हम आपको असली भूल भुलैया दिखाने लाए हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा है और इसी में एक बिल्डिंग है इसी के ऊपर जिसे कि लखनऊ में हम लोग भूल भुलैया कहते हैं। और भूल भुलैया से क्यों कहा जाता है वो नाम से तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, लेकिन हम लोग जब जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली भूल भुलैया। और ये देखिए इतना बड़ा सा रूमी गेट, ये विशालकाय गेट है। ये जो दरवाजा आप देख रहे हो इसे रूमी दरवाजा बोलते हैं। अभी लखनऊ में रहने वालों लोगों के लिए तो बहुत ऑब्वियस है कि ये रूमी दरवाजा है, बट हर कोई आया होगा लेकिन जो बाहर वाले हैं वो नहीं जानते हैं। तो जो बाहर वाले आए तो वो ये रूमी दरवाजे को विजिट करें। विजिट क्या करने, इसके नीचे से निकल जाए गाड़ी लेके। और क्या और क्या। तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, इसके भूल भुलैया के अंदर जा रहे हैं। चलो देखिए हम लोग एंटर कर चुके हैं। मतलब ये गेट है, दो गेट एंटर होकर के हम लोग आए हैं। अभी तक हम लोग दो गेट, एक वो गेट है और एक ये गेट है, दो गेट एंटर हो गए हैं फिर भी हमें बड़ा इमामबाड़ा मिला नहीं है। और ये तीसरा गेट है, गेट के अंदर गेट, गेट के अंदर गेट, गेट के अंदर गेट। इधर उधर लॉन है और सामने हमें जाना है, एकदम सीधा रास्ता पकड़ना हमें, ठीक है। और यहाँ पे इमामबाड़े के पास से चप्पल उतरवा देते हैं, स्लीपर्स और शूज जो भी आपने पहना होगा तो वो उतार के आपको पूरा फिर पैदल जाना पड़ता है। और भूल भुलैया भी आप पैदल ही जाएंगे, वो है मेन बड़ा इमामबाड़ा, यहाँ पे ही आपका चप्पल वगैरह स्लीपर्स वगैरह जमा हो जाएगी। अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पे जूते उतारने होंगे और उसके बाद फिर हम इमामबाड़े के अंदर जाएंगे, जूते उतार करके ही जाएंगे। रेड कार्पेट किसी काम की नहीं है, मेरे को तो काफी काम की लग रही है। सॉक्स पहने हो आप, काम की लगेगी। मैं बेयर फुट हूँ एकदम। अंदर से टिकट, अंदर तो ठंडा है, दो टिकट चाहिए। गाइड आप हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मोहम्मद। ये है बड़ा इमामबाड़ा। ये इतना बड़ा हॉल किसी भी पिलर पे नहीं बना है, विदाउट एनी पिलर है कि इस तरफ से लेकर के पूरा उस तरफ तक कोई पिलर नहीं है। हमारे गाइड हैं, ये हमारे गाइड हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। गाइड के पीछे पीछे पूरा झुंड चल रहा है। क्या लगती है, क्या चीज, क्या फनी लगता है? जब गाइड आगे चलता है लोग अपने अपने गाइड को ढूंढ के। तो अभी इमामबाड़ा से बाहर निकल के हम लोग भूल भुलैया की तरफ जा रहे हैं। वो गाइड है सामने, वो लखनऊ का मशहूर गेट है, उसका नाम है रूमी दरवाजा। देखने पर आपको पीछे से बिल्डिंग नजर आ रही है, आगे से गेट नजर आएगा। कई फिल्मों में इस गेट को दिखाया गया, गदर फिल्म में लोहर गेट भी बनाए गए। अब हम लोग सामने से भूल भुलैया चलने जा रहे हैं 1024 रास्ते। 45 सीढ़ी चलना पड़ेगा भैया। भैया ये लीजिए, दो लोग हैं, दो लोग हैं। चलिए 45 सीढ़ी गिन, 45 सीढ़ी गिन के चढ़ना है। टू, चौथी, फोर, फाइव, सिक्स। ये आ गया भूल भुलैया, यहीं से जाना है। आने जाने का रास्ता ये क्या, दूसरा कोई नीचे लेफ्ट होना है, यही रास्ता है। हाँ नीचे लेफ्ट हो जाएगा। ओके यहाँ ये भूल भुलैया है, नीचे लेफ्ट हो गया, भूल भुलैया शुरू होती है। ये शुरू हो गया भूल भुलैया, ये किधर जाना है? ये भूल भुलैया नीचे लेफ्ट लें, ठीक है, लेफ्ट होके रुकना है। आज देखिए एक मोर थिंग, यहाँ से तीन दरवाजे हैं, नहीं एक, एक दो तीन और चौथा रास्ता जिससे लोग आ रहे हैं। में से यहाँ पे जो है दो रास्ते सही है, एक रास्ते गलत है।
देखिए यहाँ पर आगे आइएगा तो एक दीवार उठी मिलेगी आपको वॉल, और ये दीवार आपकी हमारी सेफ्टी के लिए उठाई गई थी। लेकिन दीवार से पहले यहाँ पे एक लकड़ी का दरवाजा था, टूट गया, उसका फ्रेम लगा यहाँ पर। यहाँ से रास्ते उस समय पे अलग अलग शहरों में निकाले थे नवाब आसिफुद्दौला ने, उनकी सेना की सेफ्टी के लिए बनाया था। अगर कोई इनकी सेना को चारों ओर से घेर ले, इन रास्तों का यूज करके अलग अलग शहरों में निकल सके। रास्ता दिल्ली के लाल किले में, आगरा के ताजमहल में, कलकत्ता के मठिया पुरुष में, और फैजाबाद में नवाब आसिफुद्दौला के महल में। अंग्रेजों की इसमें जितनी भी सेना गई वो कभी लौटकर वापस नहीं आई। अंग्रेज के लीडर ने इन रास्तों को बंद करा दिया ताकि उनकी सेना इसमें दोबारा कभी जा करके ना फंसे। कि आप सब सीधे आइए और पीछे वाले से पूछिए। चलो 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 भाई चलो भाई, बहुत हो गया है। ये भी एक रास्ता गया है, ये भी एक रास्ता गया है। नहीं नहीं यहाँ से दिख रहा है क्या बाहर का? यहाँ से बाहर का दिख रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ से दिखाई दे रहा है जो मेन गेट है, बिना मशीन के 9 फीट की दूरी पर दुश्मन देखने का रास्ता बना है, जो जहाँ पे एंट्री हुई थी। अच्छा, सबको देखे लेकिन आपको वो हमें नहीं देख सकते। आगे इम्पोर्टेंट चीज, ये मस्त चीज आपने बताई भैया। दीवारों के कान दिखाएंगे अभी ये। चलो उधर देखते कान कैसे होते हैं। पहले समय की एक आपने कहावत सुनी होगी, मुहावरा, धीरे बोलिए, ऐसा बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। देखिए हम इतना तेज नहीं, बिल्कुल आपसे धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन आवाज आने पर शोर मत कीजिएगा। जब आपको आवाज आएगी तो हम आपको शांत रह के सीधे बुलाएंगे, तो सीधे आइएगा शांत रहकर। पहले मेरी आवाज को सुनिए, जब बुलाएंगे, जब आप लोग आइएगा, आवाज क्यों आती है वो भी बताएंगे, शांत रह के सुनिए। चुप रहो भाई, कान लगाएंगे तब तो बोल भी रहे तो चुप। अरे सबसे ज्यादा तो तुम ही बोल रही हो। तो हो गया, सुन ले। चलो आवाज सीधे आ जाओ, हमें तो नहीं आई आवाज, हमें भी नहीं आई। कहाँ से निकालो ये गाने, तो अंजलि का क्या बात आने लगी। आ रहा है ना, सामने आ जाओ सामने। भैया आप ही बोल रहे थे सीधे आ जाइए, आप तो मंजुलिका की तरह बोल रहे थे। हम बोल लेते हैं यहाँ से सीधे आ जाइए, इसी तरह से आवाज वहाँ तक आपको आ रही है। आवाज क्यों आई है बताएंगे, मंजुलिका की डबिंग यही करेंगे। हर तरह के रास्ते भूल ले हमें दिखाई देंगे, और जब लग के हम आपको घुमाएंगे सारे रास्ते सिंपल भी लगेंगे। घुमाने के बाद इन्हीं रास्तों पर हम आपको रास्ता ढूंढने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मजेदार रहेगा। जब आप नहीं निकल पाएंगे तो हम आपको निकालेंगे, छोड़ेंगे इसलिए ताकि आपको भी मजा आए। मगर आप हमें हम इधर उधर हूँ कैसे ढूंढेंगे, बताएं कहाँ पर आप जा सकते हैं। फोन नंबर दे दीजिए भैया, बताएं कहाँ पर आप जा सकते हैं। देखिए फोन नंबर लेने से कोई फायदा नहीं, नेटवर्क नहीं आता। अरे बाप रे, इसलिए आप जो भी जितने लोगों को छोड़ेंगे वो अपनी फैमिली के साथ जरूर रहिएगा। अलग अलग हो जाएंगे तो आपस में ही परेशान। अभी तक ऐसे ही चल रहा था। हाँ अभी चल के गाइड से पूछते हैं, ये देखो ये कैसी जगह पे आ गए, अजीब सा लग रहा है ना। आवाज इन दीवारों की वजह से आती है क्योंकि इसमें जितनी भी खाने वाली चीजें लगी हैं बोलने पर इको करती है। इसमें गुड़, गोंद, गन्ने का रस, सुरखी चिकनी मिट्टी, सिंघाड़े का आटा, शहद, चने की दाल, उड़द की दाल, चूना, सीमेंट, मोरंग, सरिया, ये सब 250 साल पहले नहीं था। ये सब चीजें खराब हुई थी, यानी कि जो जो चीजें जहाँ खराब होती थी उसको इसमें लगाते, क्योंकि जितनी भी खराब अच्छी खाने वाली चीज नहीं लगाते। नहीं, जो बड़े बड़े होल देख रहे हैं आप, ये सब बिल्डिंग का वजन कम करने के लिए बनाए गए थे। दरगाह बनाकर तैयार करते हैं, बिल्डिंग का वजन ज्यादा हो गया और उसी का वजन कम करने के लिए दीवारों के बीच में से रास्तों को बनाया, जिसको आप और हम आज के समय भूल भुलैया कहते हैं। केवल बिल्डिंग का वजन कम करने के लिए भूल भुलैया बनाई गई थी। अभी हम इसकी छत पर चलेंगे, जब आप लोग वहाँ से फोटो ले लेंगे तो वहीं से रास्ता ढूंढने के लिए। आइए पहले छत पर चलते हैं, हम लोग छत पे आ रहे हैं, छत पे धूप है और पैर भी जलेगा। छाई है, छाई है। ये है असली नाच। अबे ये तो पिछवाड़ा है भूल भुलैया का, जिसमें
जिधर से हम लोग आए थे वो आगे का साइड है, वो आगे का साइड के साइड पे जा रहे हैं। इतना घूमने में जाना पड़ेगा, पूरा क्रॉस करके, क्रॉस करके इधर से आओ, रेड कार्पेट से, रेड कार्पेट से चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कार्पेट की तरह है क्या ये? है हमारा आगे वाला साइड। तो अभी हम लोग छत पे आके बैठे हैं और हमारे गाइड ने किसी तरीके से नीचे से घुमा फिरा करके हमें ऊपर तक पहुंचा दिया है। हम लोग जो है इस पे एकदम टॉप पे यहाँ के टेरेस पे हैं, भूलभुलैया के टेरेस पे हैं। और अभी वो गाइड ये कह रहा था कि हम आपको थोड़ी देर में नीचे जाने का एक चैलेंज देंगे कि हम लोग आपको छोड़ देंगे और आपको जाना होगा खुद से। देखिए टेरेस से आप पूरा व्यू ले सकते हैं लखनऊ का, पूरा लखनऊ का ऊपर से व्यू आ रहा है और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मतलब दूर तक जो भी दिख रहा है, देखो लखनऊ का काला काला धुआं उठ रहा है। ये देखो ये थोड़ा सा खराब चीज भी दिख रही है, मगर इस तरफ देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इनका ये कहना है कि अब हम भूलभुलैया में आए हैं, लखनऊ में आए हैं, तो ये शायरी कैसे ना करे। धूप में हम तुमको हरिया नहीं होने देंगे, धूप में हम तुमको मुंह पे गमछा हम तुम्हें करिया नहीं होने देंगे। ये गुलाब तक का इश्क नहीं है हमारा। कहाँ तक का है? गुलाब तक का इश्क नहीं है हमारा, धनिया भी ला के देंगे तुम्हें। बना सको तो मेरे लिए देख के आपकी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे। वाह 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 वाह, होश में आते ही वाले थे कि फिर होश में मुस्कुरा बैठे। गाइड अब हमें ले जा रहे हैं रास्ता ढूंढने के लिए कि आप रास्ता ढूंढ सकते हैं कि नहीं, हमें रास्ता बता देंगे और हमें ढूंढना होगा रास्ता। चलो अब सब देखे रहना रास्ता, क्योंकि अबे गाइड कहाँ गए हमारे? गाइड कहाँ चले गए? हाँ घूम के आ जाओ, घूम के आ जाओ। पहला रास्ता सही है। ये क्या? ये पहला रास्ता सही है। नहीं आपको ढूंढना है, कहाँ जाना है ढूंढ के। कहाँ से भूलभुलैया शुरू करी थी उसी 45 सीढ़ी पर निकलना है। हमको नीचे तक जाना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया। नहीं निकलेंगे, हम किसी दूसरे में घुस गए अंदर तो हम निकालेंगे अगर आप गलत होंगे। तो कैसे आप ढूंढ पाओगे? हमें पता है कहाँ पर आप जा सकते हैं। अरे शक्ल सब भी पहचानते हैं, क्या किसी का, हर किसी का पता है आपको कौन खा जाएगा जी। कोई नहीं, डर के आगे जीत है। कोई कोई बात नहीं, जितना भूलेंगे उतना ही इसमें मजा आएगा। हाँ सही, कोई नहीं कोई नहीं, तो मजा ही साथ में। हम लोग दो चार लोग सब लोग साथ में रहेंगे, ठीक है? दो चार लोग साथ में रहेंगे, सबको अलग अलग जाना है। अरे ठीक है अलग अलग, क्या जाना तो एक ही रास्ते से। चलो जब तक इनको सबको इकट्ठा कर रहे, जब तक पूरा झूठ सब आ रहा है, सब सारा झूठ आ रहा है, हमारा झूठ हमारे साथ आ रहा है। हम लीड करेंगे अब आगे से। चलो हाँ चलो हम बताते हैं, ठीक है? अब सही रास्ता एक देखो, एक इधर भी रास्ता गया ऐसे और ये एक इधर से रास्ता गया। देखो मुझे लग रहा है आइए 45 सीट उधर उधर से चढ़े थे। अरे ये तो बस एक ही सीढ़ी में सब बराबर हो गया, कुछ उधर चले गए कुछ उधर चले गए, हम बचे बीच में, बताओ हमें कहाँ चलना है। तो ये वाकई में भूलभुलैया है अभी साबित हो गया। ये कहाँ जा रहे हैं? अब मैं डिसीजन लेता हूँ, इधर चलना है नीचे चलना है। चलो 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 ठीक है चलो। ये रास्ता आ तो गया, इसी तरीके का तो कुछ रास्ता था। ये नहीं है, कैसे पता? आप निशान छोड़ के गई थी क्या? कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है, तुम्हारा क्या कहना है? अरे मेरा कहना कुछ अभी समझ नहीं आ रहा। ये कहाँ छत पे पहुंच गए? तो ये हम लोग अभी ऊपर वाली छत पे थे, इस छत पे थे, और अब यहाँ पे नीचे वाली छत पे पहुंच गए हैं। ये हमारा अचीवमेंट है, एक फ्लोर नीचे आ सक चुके हम लोग, नीचे आ गए हैं। अब एक घंटा और भटकने के बाद हम लोग एक फ्लोर और नीचे आ जाएंगे। एक तो यार इनको कम से कम रोड तो बनवा देना चाहिए, रोड नहीं नीचे का फर्श बनवा दे। अरे 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 गाइड आ गए, गाइड आ गए। हम लोग वो नीचे वाली, इतना अचीवमेंट है कि हम लोग नीचे वाली छत तक पहुंच गए।
एक फ्लोर नीचे आ गए थे हम लोग। अभी आपने जहाँ से रास्ता ढूंढना शुरू करा था अभी आप वहीं पर है। वहीं पे सही बताया। देखिए यहाँ पर गलत जाने पर आप गलत होंगे तो बार बार घूम कर उसी जगह पर वापिस आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम वहीं पर घूम कर आ रहे हैं। अच्छा तो अभी आपको निकलना है बाहर, तो यहाँ से चढ़ना है ऊपर। आइए इधर आइए आइए आइए। चलो भाई सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर सीधे चल के ऊपर चढ़िए, बाहर निकल रहे हैं। ऐसे तो बता रहे हैं तो इतना सिंपल है कि सीधे चल के ऊपर चढ़िए, बाहर निकल गए। ठीक है ये वाह यार, ये एंट्री गेट है। 5 मिनट में निकल आए, ऐसे वहीं भटक रहे थे। यहीं से शुरुआत किया था, घूम फिर करके यहाँ पे आ गए, मगर हम खुद से नहीं ढूंढ पाए रास्ता, गाइड को ही बताना पड़ा। ठीक है अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, आप इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे लखनऊ के ऊपर और वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे दे दिया जाएगा यहाँ पे, और ये एंड स्क्रीन लग गई है, यहाँ पे दे दिया जाएगा। एंड हम लोग आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई और जगह है जो कि लखनऊ की आप चाहते हो कि हम विजिट करें, उसका वीडियो बनाए, तो आप कमेंट में जरूर लिख करके हमें बता सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय। टेक केयर, अपना ख्याल रखना और जल्द हमारा अगला वीडियो देखना।